वी आर गोइंग टू स्टार्ट साइंस का हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 2, रॉक्स एंड मिनरल्स. टाइप्स ऑफ रॉक्स, इसमें हम क्या क्या सीखेंगे. टाइप्स ऑफ रॉक्स, मिनरल्स एंड यूजेस ऑफ रॉक्स एंड मिनरल, इनके क्या उपयोग हैं. ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड. लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स. तो यहाँ पे इस पिक्चर को देखना है और यहाँ पे कुछ वर्ड दिए हैं, उनको देख के हमें इनको फिल करना है. इज यूज टू मेक किचन स्लैब्स. किचन की स्लैब्स आप देखे होंगे, है ना. तो वो किससे बनी होती है, तो ये ग्रेनाइट होता है ना, ग्रेनाइट. ये जो है इसको हम नंबर 1 लिख देंगे. इज यूज टू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड. इसका उपयोग होता है बोर्ड पे लिखने के लिए. तो ये नंबर 2 हो जाएगा हमारा चौक, है ना. 2, 3 नंबर इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरी. तो 3 नंबर पे हम रूबी इज यूज इन मेकिंग ज्वेलरी, रूबी का यूज करते हैं. ठीक है. रॉक्स एंड मिनरल आर ऑफ डिफरेंट शेप्स साइजेस एंड कलर्स. रॉक्स एंड मिनरल्स क्या होते हैं, अलग अलग शेप के होते हैं, साइज के होते हैं एंड कलर्स के होते हैं. दे आर फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ, लेट अस लर्न मोर अबाउट दैम. तो वह हमको हर जगह, हम जहाँ देखें धरती पे अलग अलग तरह के पत्थर देखने को मिल जाएंगे, मिनरल देखेंगे. तो हम इनके बारे में कुछ और जानेंगे. इसमें टाइप्स ऑफ रॉक्स, किस तरह के पत्थर होते हैं. रॉक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप. यहाँ पे 3 भागों में बांटे गए हैं उनको. हाउ दे आर फॉर्म्ड, इग्नियस, सेडिमेंटरी एंड मेटामॉर्फिक. ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे इग्नियस. इग्नियस रॉक्स, जैसे हम पहले भी कुछ चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, अर्थ इज मेड ऑफ मोल्टन रॉक कॉल्ड मैग्मा. तो जो हमारी धरती है वो पिघले पत्थरों से बनी हुई है, मैग्मा जिसको कहते हैं. व्हेन मैग्मा कम्स आउट टू द सरफेस, जब मैग्मा यानी जो ज्वालामुखी से विस्फोट होने के बाद, है ना, वॉल्केनिक इरप्शन से यानी ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जो लावा बाहर आता है तो वह जम जाता है, है ना. तो लावा कूल्स डाउन एंड हार्डन टू फॉर्म इग्नियस रॉक. तो ये जम जाता है और फिर धीरे धीरे वो सख्त हो जाता है ठंडा होके, और तो वह इग्नियस रॉक्स बन जाते हैं. सम ऑफ द मिनरल प्रेजेंट इन इग्नियस रॉक्स, क्या क्या मिनरल्स इसमें मिलते हैं. खनिज माइका, फेल्डस्पार एंड मैग्नीशियम एंड क्वार्ट्ज. तो इग्नियस रॉक्स डिराइव देयर नेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड इग्निस विच मीन्स फायरी. तो इग्निस रॉक्स का, पत्थर का जो नाम है वो कहाँ से आया, लैटिन वर्ड इग्निस से आया जिसका कि मतलब है फायरी. ग्रेनाइट, प्यूमिस एंड ऑब्सीडियन आर एग्जाम्पल ऑफ इग्निस रॉक. तो इसमें ग्रेनाइट, प्यूमिस एंड ऑब्सीडियन इस तरह के इग्निस रॉक्स के एग्जाम्पल है. आगे हम इनके चित्र भी देखेंगे. नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स. तो यहाँ पे इनके पिक्चर्स दिए गए हैं. ये ग्रेनाइट का पिक्चर है एंड दिस प्यूनिस एंड ऑब्सीडियन. तो ग्रेनाइट इज फॉर्म ड्यू टू स्लो कूलिंग. तो धीरे धीरे लावा ठंडा हो गया उसके बाद ग्रेनाइट बनते हैं. द 3 मेन मिनरल, क्या क्या मिलता है ग्रेनाइट में. माइका, फेल्सपर एंड क्वार्ट्ज, ये पहले भी हमने देखा था. द कलर ऑफ ग्रेनाइट वेरीज फ्रॉम ग्रे टू पिंक. यह जो इसका कलर है ग्रे से पिंक तक होते हैं इसका. और इसमें फेल्डस्पार होता है जो जिसके कारण इनके कलर में फर्क होता है. ग्रेनाइट इज यूज्ड टू मेक बिल्डिंग. ग्रेनाइट का यूज किया जाता है बिल्डिंग्स बनाने में, घरों में बनाने, घर बनाने में, इंटीरियर्स में, किचन में, फ्लोरिंग्स, है ना, जो फर्श बनाते हैं. प्यूमिस इज फॉर्म्ड बाय द रैपिड कूलिंग. बहुत ही जल्दी ठंडा होने से प्यूमिस स्टेन बन जाता है ये. इट इज क्रीमिस और ग्रे. तो या तो इसका क्रीम कलर होता है या ग्रे कलर होता है. द रिलीज ऑफ गैसेज फ्रॉम द लावा फॉर्म द पोर्स इन द प्यूमिस रॉक्स. इसमें जो है रिलीज होता है, गैसेज रिलीज होती है, तो उसके कारण जो छोटे छोटे छेद होते हैं प्यूमिस स्टोन, अगर आप देखे होंगे तो उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो गैसेज के रिलीज होने के कारण हुए हैं इसके अंदर जो गैस होती है. अनलाइक अदर रॉक्स प्यूमिस इज लाइट वेट. तो दूसरे पत्थरों की तुलना में जो प्यूमिस स्टोन होता है वह बहुत ही हल्का होता है. इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग लाइट वेट बिल्डिंग मटेरियल फुट स्क्रब. तो इसको बना
जो हल्के बिल्डिंग मटेरियल बनाने में यूज़ किया जाता है, फुट स्क्रब जो हम हाथ पैर पैर रगड़ते हैं, है ना, तो उसके लिए ऑब्सीडियन मीन्स इज ऑल्सो फॉर्मड ड्यू टू द रैपिड कूलिंग, तो ये भी बहुत ही जल्दी कूलिंग के कारण बनता है। इट इज़ अ डार्क और ब्लैक, तो या तो इसका डार्क या ब्लैक कलर होता है। इट इज़ स्मूथ एंड ग्लासी, बहुत ही स्मूथ होता है एंड ग्लासी होता है, हैंड्स इट इज़ कॉल्ड वॉलकैनिक ग्लास, इसलिए इसको वॉलकैनिक ग्लास कहते हैं। इट हैज़ वेरी शार्प एज, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी, तो इसके किनारे बहुत ही शार्प होते हैं, इसका यूज़ ज्वेलरी बनाने में किया जाता है। सेडिमेंटरी का एक मतलब होता है गाद, है ना, रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक, तो यह छोटे छोटे पत्थरों से बनता है। सॉइल एंड प्लांट एंड एनिमल मैटर ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर बाय द एक्शन ऑफ विंड रेन वाटर एंड फ्लोइंग रिवर वाटर, तो यह कई सालों में के जो प्रक्रिया के बाद यह पत्थर बनता है। रिवर्स फ्लोइंग डाउन ए माउंटेन वियर अवे रॉक्स, तो जब रिवर्स बहती है, नदियाँ जब बहती हैं, तो जो भी पहाड़ों पे जो पत्थर होते हैं उनको भी अपने साथ बहा लेती हैं। विंड एंड रेन वाटर ऑल्सो वियर अवे रॉक्स, तो हवा और बारिश के पानी से भी पत्थर बह जाते हैं। दिस स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स आर डिपोजिटेड एट सम अदर प्लेस, तो धीरे धीरे बह के कहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। लेयर ओवर लेयर इज डिपोजिटेड ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो समय के बाद एक से बार ऊपर एक लेयर्स जमा होने लगती है पत्थरों की। दस रिपीटेड डिपोजिशन हार्डन द लोअर लेयर, तो इसके कारण क्या हो जाता है कि जब सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो बहुत ही कड़क हो जाती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंटरी रॉक्स, तो जिसके कारण सेडिमेंटरी रॉक्स बनते हैं। कॉन्ग्लोमरेट सैंडस्टोन सेल एंड लाइमस्टोन आर एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंटरी रॉक, तो ये सब उनके एग्जाम्पल है। कॉन्ग्लोमरेट शेल सैंडस्टोन, है ना, यहाँ पे नीचे उसके चित्र हैं। कॉन्ग्लोमरेट में कंटेंट्स ग्रेवल राउंड पेबल्स एंड बोल्डर्स हेल्ड टुगेदर बाय मिनरल्स, तो इसमें क्या होता है छोटे छोटे पत्थर जो हैं, छोटे राउंड पेबल्स ये सब इसमें इकट्ठे हो जाते हैं। एंड इट इज़ एन अन इवन टेक्सचर एंड इट इज़ यूज एज ए बिल्डिंग मटेरियल, तो इसका भी यूज़ बिल्डिंग मटेरियल के लिए किया जाता है ना। लाइम स्टोन कंटेन द मिनरल कैल्शियम एंड टाइनी एनिमल सेल, तो लाइम स्टोन में क्या होता है कि इसमें कैल्शियम होता है, टाइनी स्मेल्स एनिमल छोटे छोटे एनिमल्स के जो शेल्स बचे होते हैं, है ना। इट्स ग्रेन आर सॉफ्ट एंड फाइन, तो ये सॉफ्ट एंड फाइन होता है। इट इज़ यूज टू मेक लाइम सीमेंट पेंट, तो लाइम चूना पत्थर इसको कहते हैं हिंदी में, तो सीमेंट पेंट इसके लिए इनका यूज़ किया जाता है ना। इसके बाद है शेल सैंड स्टोन इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सैंड पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर बाय मिनरल लाइक सिलिका। फेमस इंडियन मॉन्यूमेंट्स लाइक द रेड फोर्ट एंड द कुतुब मीनार आर मेड ऑफ सैंड स्टोन, तो इसका क्या होता है कि जो सैंड यानी रेत के इकट्ठा होने से एक साथ जुड़ने से सिलिका के कारण जो रेत है एक साथ जुड़ गई है और एक पत्थर बना है, उसको नाम है सैंड स्टोन। तो जो भारत में जो मशहूर इमारतें हैं जैसे लाल किला और कुतुब मीनार, ये भी सैंड स्टोन से बनी हुई है। शेल में क्या है, इसमें कंटेन सॉलिडिफाइड क्ले, तो इसमें जो सॉलिड क्ले होता है एंड मर्ड पाइल्ड अप इन लेयर्स, तो ये लेयर्स में होता है। इट इज़ यूज टू मेक कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइक ब्रिक्स टाइल सीमेंट, तो इनका यूज़ सीमेंट और टाइल्स ब्रिक्स यानी ईंटें बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट पेज देख लेते हैं।